Hello friends, my name is Mukesh and I am from regroup.com. और friends, हम लोग regular Noida और Noida extension की properties पे लेके videos develop कर रहे हैं. आपको कोशिश कर रहे हैं कि Noida और Noida extension का area किस तरीके से develop हो रहा है, authority क्या क्या कर रही है. Those who are home buyer या जिनको आने वाले टाइम में एक प्रॉपर्टी लेनी है या जो प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम पर्टिकुलर एरिया के बारे में, डेवलपर्स के बारे में और क्या क्या प्रोसेस हैं, होम बाइंग के प्रोसेस जो होते हैं सारे, उनके बारे में हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज़ में रोज़ दे रहे हैं. और जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं आपको इस वीडियो के बाद में भी उनको उस पर लिंक मिल जाएंगे आपको. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और जो कि जब भी घर लेते हैं तो आपके फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ है. क्योंकि जब हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें ये नहीं आइडिया होता है कि इस प्रॉपर्टी में आने वाले क्या क्या कंप्लीट एक्सपेंसेस कितने हैं, कैसे आपको अपना फाइनेंसिस अरेंज करना है, कैसे आपका मनी आउटफ्लो अरेंज करना है. तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड, अगर आप नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा के एरिया में अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, और स्पेशली फ्रॉम द डेवलपर, एक बिल्डर प्रॉपर्टीज, बिकॉज यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट बहुत ज़्यादा हैं और हर कैटेगरी के डेवलपर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर बिल्डर आपसे एक फ्लैट अगर लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या प्राइसिंग देनी पड़ेगी. फ्लैट कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जितने भी एक्सपेंसेस आ सकते हैं हमने कोशिश करी उनको कवर करने की पॉइंट वाइज. तो मैं एक एक पॉइंट आपको ब्रीफ करूंगा जिससे कि आपको आइडिया हो कि जब आप एक फ्लैट या अपना घर लेने की प्लान करें तो आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस के लिए आपको रेडी होना होगा. फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. तो ये स्पेशली जो कॉस्ट कंपोनेंट्स मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, 15 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर द बिल्डर प्रॉपर्टी. अगर आप किसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे आप वो फ्लैट लें चाहे आप वो विला लें, बट इट शुड बी ए डेवलपर प्रोजेक्ट इन नोएडा नोएडा एक्सटेंशन. कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कॉमन मिलेंगे अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो स्पेशली इस एरिया में इफेक्ट डालते हैं या लिए जाते हैं. तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द बेसिक कॉस्ट. बेसिक कॉस्ट होती है किसी भी एरिया के अंदर एक बिल्डर एक प्राइस रखता है जो कि वेरिएंट, जो कि थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लोकेशन टू लोकेशन. तो बेसिक कॉस्ट एक आपके फ्लैट कॉस्ट होती है. जितने स्क्वायर फीट का आप एरिया ले रहे हैं, सपोज 1000 स्क्वायर फीट का एरिया ले रहे हैं और वहां पर बिल्डर का रेट 4000 स्क्वायर फीट का है, जो एक बेसिक प्राइस है, तो ऑब्वियसली आपका जो फ्लैट कॉस्ट होगी, बेसिक कॉस्ट जो होगी फ्लैट की, वो 40 लाख रुपए हो गई. तो ये एक बेसिक कॉस्ट होती है फ्लैट की, इट्स नॉट ए कंप्लीट कॉस्ट. तो इस तरह से जो भी पर स्क्वायर फीट रेट होता है और पर स्क्वायर फीट एरिया आप खरीदने वाले हैं, उसके हिसाब से ये बेसिक कॉस्ट आपकी आती है निकल के. बट ये पूरे फ्लैट की कॉस्ट नहीं है. बहुत सारे बायर्स को लगता है कि वो एक आइडिया लेते हैं कि कितने का फ्लैट पड़ेगा, तो अगर आप 40 लाख रुपए का आपको एक फ्लैट पड़ा तो इट्स नॉट ए कंप्लीट कॉस्ट. इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि आपको बियर करना है और आपको अपने फाइनेंसिस को हिसाब से प्लान करना है. तो बेसिक कॉस्ट फ्रेंड, सिंपल लैंग्वेज में एक एरिया होता है, उसके हिसाब से बिल्डर अपने प्राइस रेडी करता है, जो वो उसके अंदर मटेरियल लगा रहा है, जिस टाइप की वो टाउनशिप डेवलप कर रहा है, फ्लैट डेवलप कर रहा है, अगर इट विल बी अफोर्डेबल हाउसिंग और ए लग्जरी सोसाइटी, तो उसी के हिसाब से पर स्क्वायर फीट रेट डिजाइन किए जाते हैं बिल्डर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से. और जो एरिया आप परचेस कर रहे हैं 2 BHK 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट या उसके हिसाब से इंटू करके, ये आपकी बेसिक कॉस्ट आती है फ्रेंड एक फ्लैट की. तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं. इसके अलावा जो एडिशनल आते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं आपके सामने. नेक्स्ट जो चार्जेस जो डेवलपर की आपको कॉस्ट शीट में मिलेंगे, प्राइस लिस्ट में मिलेंगे, दैट इज अ फ्लोर PLC. बिकॉज ये ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट होते हैं, हाई राइज होते हैं, तो इसके अंदर आपके फ्लोर के हिसाब से आपको कुछ एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर लेना है, या किसी की रिक्वायरमेंट होती है उसे टॉप फ्लोर लेना है, या किसी को मिड फ्लोर चाहिए, या किसी को टॉप से 2-3 नीचे चाहिए, तो सबके हर इंडिविजुअल की अपनी फ्लोर की चॉइस होती है. किसी को ज्यादा हाइट पे नहीं जाना है, किसी को विद गार्डन चाहिए, तो उसी हिसाब से जो फ्लोर आप चूज करेंगे उस फ्लोर के हिसाब से कुछ एडिशनल आपको पैसे देने पड़ेंगे आपको उसको. फ्रेंड्स, इट कैन बी वेरी फ्रॉम बिल्डर टू बिल्डर कि उसने किस फ्लोर पे कितनी PLC लगी है. तो PLC इज अ प्राइम लोकेशन चार्जेस. तो ये आपको फ्लोर PLC भी, जब आप फ्लैट आप प्लान कर रहे हैं आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्लोर आप चूज करने वाले हैं आपको, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल आपके फ्लोर के रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 से 10 फ्लोर के बीच में चाहिए, या मुझे ग्राउंड फ्लोर ही मुझे प्रेफर करता है, तो यू हैव टू पे एन एडिशनल अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लोर. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स व्यू PLC.
एक टाउनशिप जब प्लान करता है डेवलपर, तो उसके अंदर गार्डन गार्डन भी एक डेवलप करता है, पार्क एरिया डेवलप करता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज डेवलप करता है, पूल फेसिंग, पार्क फेसिंग, कुछ लोगों को डे लाइट ओपन एरिया चाहिए होता है, ओपन लाइट फेसिंग चाहिए होता है। तो उसी के हिसाब से जो फेसिंग का फ्लैट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रीन एरिया मिले, या आपको पार्क देखना है मॉर्निंग इवनिंग में, आपका फ्लैट जो है पार्क फेसिंग होना चाहिए, यू हैव टू पे। अगर आपको लगता है कि आपका फ्लैट पूल फेसिंग होना चाहिए, आपको वाटर बॉडीज पसंद है, उसके लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं ठीक है, मुझे ना पूल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डे लाइट अच्छी चाहिए, और आपके एक रोड फेसिंग और एक ओपन व्यू का फ्लैट चाहिए, तो देयर विल बी ए चार्जेस। तो हर फ्लोर पीएलसी तो आपको देनी देनी है, लेकिन अगर आप कोई व्यू सेलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस का, उसके लिए भी आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बेसिक कॉस्ट प्लस फ्लोर पीएलसी प्लस व्यू पीएलसी, ये तीनों आपका एक फ्लैट, आपका फ्लैट किस फ्लोर पे है, कौन सी व्यू ले रहा है, तो ये आपकी बेसिक कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज कार पार्किंग। जितने भी फ्लैट एलोकेट होते हैं उसके साथ में ग्रुप हाउसिंग में आपको साथ में कार पार्किंग की रिक्वायरमेंट भी आती है, मिनिमम वन मैक्सिमम, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर नीड। कार पार्किंग एक अलग से एरिया होता है जो आपको बाय करना है, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लैट कॉस्ट। तो कार पार्किंग के चार्जेस भी आपको देने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो कार पार्किंग आपके पास अगर एक है तो एक के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, या आपके पास आपको दो गाड़ी चार गाड़ी एज पर आपके रिक्वायरमेंट, तो कार पार्किंग के एक एडिशनल अमाउंट आपके पास आने वाला है। इसके भी आपके इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा फ्रेंड, फाइनेंसिस में प्लान करके रखिए इसका। फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं आईडीसी और ईडीसी। व्हाट इज आईडीसी एंड ईडीसी? इट इन सिंपल लैंग्वेज, आईडीसी इज इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस एंड आईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस मीन्स जो बिल्डर एक टाउनशिप क्रिएट करता है, बिल्डर खाली एक फ्लैट क्रिएट नहीं करता है, आपके लिए पूरी एक टाउनशिप क्रिएट करता है। तो इंटरनल डेवलपमेंट जो करता है, लाइक सीवरेज भी डेवलप कर रहा है आपके लिए, आपके लिए पार्क एरिया डेवलप कर रहा है, ग्रीन एरिया डेवलप कर रहा है, तो बिल्डर आईडीसी भी चार्ज करते हैं, विद मिनिमम अमाउंट होता है, बट ये भी आपको पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जब आप सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, सोसाइटी से बाहर का जो इंफ्रा होता है, रोड्स हो गई, तो बाहर का एरिया होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, उसके लिए बिल्डर आपसे चार्ज करता है, बिकॉज बाहर का एरिया जो अथॉरिटी डेवलप करती है और बिल्डर को उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो वो बिल्डर भी बाहर से ही उसका पोर्शन, एक पोर्शन जरूर लेता है। तो बेसिक कॉस्ट के साथ में आपको आईडीसी ईडीसी भी आपको पे करने पड़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं लीज रेंट। व्हाट इज लीज रेंट? नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है, जो भी टाउनशिप डेवलप करती है इस कंप्लीट एरिया में, ये लीज के ऊपर करती है 99 ईयर्स की। इसीलिए यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 99 ईयर्स तक अथॉरिटी मैनेज करती है। इसका पर्पज ये है कि जब भी कोई अथॉरिटी कोई टाउनशिप प्लान करती है, तो वो एक विजन लेके चलती है कि हम एक मैक्सिमम इतने ईयर्स के अंदर एक टाउनशिप को डेवलप कर देंगे। तो बहुत सारे लोग फ्री होल्ड और लीज होल्ड में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, बट लीज रेंट अथॉरिटी इसे लेती है बिकॉज यहाँ का जो सिविक स्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं या ग्रीन बेल्ट हैं, वो सारी अथॉरिटी खुद डेवलप करती है जब तक वो लीज पे उसने दे रखी है। इसके लिए अथॉरिटी लीज रेंट एक लेती है जो कि 19 ईयर्स का होता है, एंड दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट। ये डेवलपर से चार्ज होता है और डेवलपर अपने बायर से लेता है। तो अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या नोएडा एक्सटेंशन में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये एडिशनल एक चार्जेस आपको पे करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। सेवन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अ क्लब मेंबरशिप। जितने भी ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटीज हैं, वहां पर एक कॉमन क्लब आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि डेवलपर्स एक सोशल गैदरिंग के लिए या इंडोर स्पोर्ट्स के लिए वो बनाता है, जहाँ पे सोसाइटी अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सके, इंडोर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सके, और एक गेट टुगेदर प्लेस हो। तो क्लब मेंबरशिप, जो क्लब बनता है उसकी मेंबरशिप भी आपको लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। बहुत सारे डेवलपर चार्जेस नहीं लेते हैं, बहुत सारे डेवलपर लेते हैं, बट आप जब भी प्रॉपर्टी प्लान करें या लें, आप इन चार्जेस के बारे में आपको पूछना है कि वेदर बिल्डर इज चार्जिंग दिस क्लब मेंबरशिप टू यू और नॉट। तो क्लब मेंबरशिप हो सकता है कुछ बिल्डर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर डील, एज अ पार्ट ऑफ देयर स्कीम, अदरवाइज ये कंपोनेंट भी आपको पे करना पड़ सकता है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं पावर बैकअप। पावर बैकअप क्या है फ्रेंड? जब आप एक फ्लैट लेते हैं तो उसके अंदर आपको एक मीटर लगा मिलता है, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, बट इन केस आपकी लाइट चली जाती है, तो जितने भी बिल्डर्स हैं
वहां पर वो पावर बैकअप का इंतजाम करके रखते हैं जो कि जनरेटर के थ्रू होता है। तो जनरली डेवलपर जो है अगर आप फ्लैट लेने जाएंगे तो पावर बैकअप आपको 1 KVA का इन जनरल, जिसमें आपके लाइट पंखे छोटा फ्लैट है तो वो चल जाते हैं और इमीडिएट आपको पावर बैकअप मिल जाता है, वो जनरली आपको डेवलपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट करते हैं, कुछ नए भी करते हैं। तो पावर बैकअप आपको मिनिमम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना है। अगर आपको 3 बेडरूम 4 बेडरूम लिया है या आपको एसी सारे आपको 24 आवर्स चलाने हैं तो उसके हिसाब से अपना पावर बैकअप भी आप लीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही और आपको पावर बैकअप यूज करना है तो पावर बैकअप के भी आपको चार्जेस फ्रेंड्स देने ही पड़ेंगे। तो इसको आप डेवलपर से चेक करें कि पावर बैकअप 1 KVA का वो कितने रुपए में दे रहा है। इनिशियली आप कुछ ले सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बाद में एडिशनल लेके बढ़वा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये मैंडेट पार्ट नहीं होता है बट एक मिनिमम जो है वो मैंडेट होगा बिकॉज आपको उसके रिक्वायरमेंट आएगी, बाद में एडिशनल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज IFMS। इसका पूरा अगर हम फुल फॉर्म बोले दैट इज इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। इट्स अ सिक्योरिटी फ्रेंड, जब आप एक फ्लैट ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर क्योंकि उस टाउनशिप को लाइफ टाइम नहीं उसको मेंटेन करता है, वो एक टाइम के बाद एक मैंडेट पीरियड के बाद वो एक मेंटेनेंस एजेंसी को सौंप के चलाया जाता है जो भी वहां की AOA या RWA उसको सिलेक्ट करती है मेंटेनेंस एजेंसी को। तो IFMS एक ऐसा पैसा है, एक इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी बिल्डर आपसे लेता है और जिसपे आपको पैसा आपसे लेता है और उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है फ्रेंड, बट इट्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये काम आता है खाली मेंटेनेंस के लिए। ये एक कॉर्पस फंड इकट्ठा होकर हर फ्लैट से स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होता है, कहीं पे 50 रुपए कहीं पे 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो डिपेंड अपॉन सोसाइटी कितनी बड़ी है आपकी और वहां पे क्या क्या बिल्डर आपको फैसिलिटीज दे रहा है। तो ये पैसा इकट्ठा बिल्डर करता है, कॉर्पस फंड बनाता है उस फंड का, और जब बिल्डर इस सोसाइटी को हैंड ओवर करता है मेंटेनेंस एजेंसी को जो कि सोसाइटी सेलेक्ट करती है या उसके बाहर सेलेक्ट करते हैं, ये पैसा उनको दे दिया जाता है, पूरा कॉर्पस फंड दे दिया जाता है जो कि जो सोसाइटी में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है उसको बियर करने में हेल्प करता है। सपोज इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, सपोज 5 साल बाद सोसाइटी बिल्डर चला गया और सपोज कोई लिफ्ट में फॉल्ट आ गया बहुत बड़ा, लिफ्ट आपको रिप्लेस करनी है, या सपोज जनरेटर जो सोसाइटी का है वो खराब हो गया आपको रिप्लेस करना है, तो कहां से पैसा आएगा? वो पैसा इस कॉर्पोरेट फंड से ही इकट्ठा होकर यूज होता है फ्रेंड, और जो उसका इंटरेस्ट आता है वो सोसाइटी की मेंटेनेंस में यूज हो जाता है। तो IFMS आपको देना ही पड़ेगा फ्रेंड, ये बिल्डर आपसे जरूर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मीटर चार्जेस। जैसे कि हमने पावर बैकअप की बात करी, पावर बैकअप इज एडिशनल सब्स्टिट्यूट फॉर द अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, बट द बेसिक मीटर आपको लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, वो लगवाना पड़ेगा आपको, चाहे वो आज की डेट में इंडिविजुअल कनेक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं अथॉरिटी से, और डेवलपर भी एक लोड लेके और वो मल्टीपल कनेक्शंस के लिए बांटता है। तो मिनिमम जो मीटर चार्जेस हैं वो आपके फ्लैट के अकॉर्डिंग कितना लोड आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, उतने रूम्स के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि 2 BHK के लिए भी सेम होगा और 4 BHK के लिए भी सेम होगा, तो देयर विल बी मीटर चार्जेस बेस्ड ऑन योर एरिया, कितना बड़ा एरिया लेना है और आपको कितने ज्यादा KVA की रिक्वायरमेंट है, पावर की रिक्वायरमेंट है, तो मीटर चार्जेस भी आपको एडिशनल पे करने होंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं 11 पॉइंट, इट्स अ मंथली मेंटेनेंस चार्जेस। मंथली मेंटेनेंस क्या होता है फ्रेंड, जब एक सोसाइटी के अंदर आप एंट्री कर जाते हैं तो आपको हर महीने सोचो सोसाइटी जो मेंटेनेंस होती है लाइक सिक्योरिटी हो गई, वहां की क्लीनिंग हो गई, उसके लिए आपको मंथली मेंटेनेंस आपको एक पे करना होता है, एक अमाउंट जो कि 2.5 से 3 रुपए जनरली रहता है, 2 से 3 रुपए के बीच में, एंड इट्स डिपेंड अपॉन सोसाइटी कि सोसाइटी वो कैसी है, अगर बहुत लेविश है तो हो सकता है आपको ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है, बट हाँ जनरली ये 2 से 4 रुपए के बीच में पर स्क्वायर फीट रहता है पर मंथ। तो ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको, इसमें मैंने एडवांस ऐसे लिखा है क्योंकि जब आप कोई फ्लैट लेते हैं इनिशियल लेवल पे, आपने कोई फ्लैट बुक किया और जब आप उसके 100% पेमेंट कर देते हैं और शिफ्ट होने के लिए आप रेडी होते हैं तो बिल्डर आपसे मंथली मेंटेनेंस 1 साल या 2 साल की आपसे डिपॉजिट कराएगा फ्रेंड। उसके पीछे रीजन ये होता है कि सपोज आपने एक फ्लैट खरीद लिया, हो सकता है आप उसमें रह ना रहे हो, शायद आपने उसे साल भर तक आपने उसको पैसा नहीं लिया उसका, या आप उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं है या रहने नहीं आ रहे, बट आपके फ्लैट के आगे रोज सफाई होगी, सोसाइटी ऐसे ही मेंटेन होगी, तो इसीलिए बिल्डर जो है मिनिमम 1 ईयर या 2 साल तक का आपसे एडवांस मेंटेनेंस आपसे लेते हैं। तो इसके लिए आप रेडी रहिए,
कि ये फंड भी आपको आपके पॉकेट से ही जाने वाला है फ्रेंड्स, एक साल के एडवांस से दो साल के एडवांस, चाहे वो आप किसी भी सोसाइटी में लें। 12th पॉइंट पे हम आते हैं क्लब यूजर्स चार्जेस। ये हमने दो चीजों की बात करी, पहली है क्लब मेंबरशिप। मेंबरशिप इज अ लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम के लिए होती है और इसके लिए आपको अगर पैसा देना पड़ा तो आपको वन टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स। बट यूजेस चार्जेस, क्लब के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो बिल्डर लगाता है, जिनके लिए आपको, या क्लब मेंटेनर है उसके लिए आपको मंथली जो चार्जेस हैं वो भी आपको बेयर करने पड़ सकते हैं फ्रेंड। तो इट्स डिपेंड, अगेन डिपेंड अपॉन सोसाइटी, सोसाइटी अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं और वो किस लेवल तक मेंटेन है और जिस जो फैसिलिटी वहाँ डेवलपर दे रहा है, आर यू रेडी टू यूज दैट, और आप क्या उनके लिए पैसे देने के लिए तैयार है। तो इट्स डिपेंड अपॉन द सोसाइटी एंड द बायर्स, बट क्लब यूजेज चार्जेस भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, जो कि आपका लिविंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। जैसे कि आप बिजली का बिल देते हैं हर महीने, आपको मेंटेनेंस पे करनी होगी हर महीने, आपको क्लब भी देना पड़ेगा हर महीने, तो ये आपका एक फिक्स चार्जेस होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं कि फ्लैट लेने के बाद भी आपको मंथली एक्सपेंस आपका फिक्स कितना आने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जीएसटी। जीएसटी सभी जानते हैं गवर्नमेंट टैक्स है, इस पे स्टार से लगा हुआ है बिकॉज ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। जो प्रॉपर्टीज रेडी टू मूव इन है, जहां पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन आ चुका है अथॉरिटी के थ्रू, वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है फ्रेंड्स। वो आपकी बेसिक कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है या उसके प्राइसेस आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जो बन रही है वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी की कॉस्ट वेरी कर सकती है 5%, 6%, कुछ प्रोजेक्ट्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं स्पेशली, वहां पर जीएसटी कॉस्ट 1% भी होती है। तो जीएसटी विल बी एडिशनल, आप खाली बेसिक कॉस्ट को ही ना समझे, एडिशनल टैक्सेस वैल्यू भी आपके ही कॉस्ट का पार्ट है, आप ही का आउटफ्लो है, आप ही के जेब से जाना है। तो जीएसटी को चेक करें कि कौन बिल्डर, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो वहां पर जीएसटी आपको देना ही देना है फ्रेंड्स। रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में आपको जीएसटी नहीं देना होता है, तो आप बिल्डर से चेक करें वेदर ही हैज ऑफ द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन और नॉट। अगर उसने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन ले रखा है तो जीएसटी आपको नहीं देना है फ्रेंड, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जरूर देना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फ्रेंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। आपने फ्लैट लिया, उसके हिसाब से जो फ्लैट आपकी चॉइस है आपने उसके हिसाब से अपने चार्जेस पे किए, व्यू पीएलसी, फ्लोर पीएलसी, एक कार पार्किंग भी लिया आपने, एडिशनल चार्जेस भी पे किए। अब बात आती है, आपने फ्लैट तो ले लिया फ्रेंड, बट उसका लीगल ओनरशिप, लीगल ओनरशिप कब आती है प्रॉपर्टी की, अलॉटमेंट से नहीं आती, लीगल ओनरशिप तभी आती है जब आप उस प्रॉपर्टी की सेल डीड आपके नाम पे हो जाती है या उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाती है। तो सेल डीड और रजिस्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस है जिसके लिए आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ती है, जो कि अगर मैं इस एरिया की बात करूं नोएडा की, तो यहां पर 5% जो है यहां पे कॉमन एक स्टैंप ड्यूटी जो आपको पे करनी होती है। तो इसके लिए रेडी रहें, जो भी आप फ्लैट ले रहे हैं, सपोज आपने 30 लाख का फ्लैट लिया तो करीबन 1.5 लाख रुपए एडिशनल कॉस्ट आएगी स्टैंप ड्यूटी की, जो कि आपको अपने नाम पे अगर ओनरशिप लेनी है, सेल डीड एग्जीक्यूट करानी है, वो आपको पे करने ही होंगे, अदरवाइज यू विल नॉट अ लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी तब तक बिल्डर की ओनरशिप में ही रहेगी भले ही आपने पोजिशन उसका ले लिया हो। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विल बी एडिशनल पार्ट फ्रेंड, ये आपको लो, ये आपको देना है, इसी के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा 5% ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल फीस। स्टैम्प ड्यूटी भी आपको पे करनी है फ्रेंड, स्टैम्प ड्यूटी जो मैंने बताया 5% है। इसके अलावा लीगल फीस, लीगल फीस क्या होती है फ्रेंड, स्टैम्प ड्यूटी जब हम पे करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सेल डीड एग्जीक्यूट कराने के लिए, इसके अलावा कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कि कोर्ट फीस हो गई, नोएडा के अंदर कोर्ट फीस की बात करें तो 1% है। इसके अलावा जो लॉयर आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट कराएगा, जो आपको हेल्प आउट करेगा पूरे प्रोसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन के, उसकी अपनी फीस होती है, वो चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं वहां पर सारे ग्रुप डेवलपर का कुछ लॉयर्स के साथ में टाइप होता है, वो उनसे नेगोशिएट करके जो फीस का स्ट्रक्चर होता है, लॉयर की फीस होती है, या जो भी पूरे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसके लिए एक पैकेज डिजाइन कर देते हैं, और एज ए बायर आपको हेल्प आउट हो जाती है, आपको दस जगह भागना नहीं पड़ता है अपने चीजों के लिए, प्रोसेस के लिए, और आपके लीगल फॉर्मेलिटीज जो है पे जाती है। तो लीगल फीस भी आपको फ्रेंड चेक करनी है कि लॉयर आपका जो सेल डीड कराएगा वो कितने पैसे लेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती हैं। जब आप एक फ्लैट की कॉस्ट लेते हैं तो देयर विल बी ये चार्जेस अपार्ट फ्रॉम द फ्लैट कॉस्ट है, बट जब आप एक फ्लैट ले रहे हैं तो बट आपको हर ये 15 जो मैंने आपको पूरे कॉस्ट कंपोनेंट बताए हैं ये आपके पॉकेट से जाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इस वीडियो में आप ध्यान रखिए, 15 पॉइंट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं आपको, और इसी के हिसाब से जब भी अपनी कॉस्ट शीट आप लें या अपने फ्लैट को प्लान करें, अपने फ्रेंचाइज को प्लान करें, आप इन 15 पॉइंट्स के हिसाब से प्लान करें।
हो सकता है बिल्डर आपका कोई ऑल इंक्लूसिव डील दे दे जिसमें कि ये कुछ चार्जेस हैं आपको आपको इंक्लूसिव कर दे, बट हाँ ये सारे चार्जेस आइदर एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पे करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमने आज कॉस्ट कंपोनेंट की बात करी अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दूसरी जो मेन पॉइंट है इसमें बहुत सारे कॉस्ट रहते हैं अगर आप हाउसिंग लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, होम लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और होम लोन आपके फाइनेंसिस का एक पार्ट है। आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर आपको बैंक उसके लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है। उसके लिए मैं एक डिफरेंट एक नया वीडियो मैं क्रिएट करूंगा कि हाउसिंग लोन के अंदर बैंक कौन कौन से कंपोनेंट उसमें आप जब एक फ्लैट के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको किस क्रेडिबिलिटी के हिसाब से क्या प्रॉपर्टी कॉस्ट के हिसाब से किस कॉस्ट कंपोनेंट के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारा पैसा आपको बैंक फाइनेंस की हेल्प से मिल जाएगा बट बहुत सारा जो चार्जेस हैं वो आपको अपने ओन सोर्सेज जो आपके फंड्स हैं आपको उनसे ही पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कॉस्ट कंपोनेंट्स जो बिल्डर प्रॉपर्टी में आपको देने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज मुकेश फ्रॉम रिग्रो। थैंक यू वेरी मच।